अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बहुत ही बड़ी अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। ओडीआई सीरीज से पहले एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो बायर हो चुका है। कौन सा खिलाड़ी है ये अपडेट आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आसिफ अली का जो कैरियर है वो भाई अब लगभग खत्म हो चुका है, तो ये अपडेट भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा सरफराज अहमद एक नकारा किस्म का विकेट कीपर बल्लेबाज है, भाई किसने कहा है, दो बड़े प्लेयरों की बड़ी स्टेटमेंट आई है, तो ये अपडेट भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले बाहर हो चुका है। जिस तरह आप जानते हैं कि 9 जनवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा, सीरीज का आगाज होगा। तो मैट हेनरी एक न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जो है वो इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मैट हेनरी की जो छुट्टी हो चुकी है, घर वापस जा रहे हैं मैट हेनरी। तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा धचका है, बहुत ही आला दर्जे के तेज गेंदबाज हैं। साउथी के साथ उनका भी यानी कि अहम रोल होता है इस सीरीज के अंदर, बहरहाल वो बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनाब यहां पर सबसे पहले सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं, तो सरफराज अहमद के लिए भाई कामरान अकमल ने कहा है कि वो विकेट कीपर शायद मतलब उस तरीके से अच्छा विकेट कीपर फिलहाल तो साबित नहीं हुआ यानी कि वापसी के बाद, लेकिन वो बल्लेबाज भाई आला दर्जे का है। सरफराज अहमद ने जबरदस्त किस्म का यानी कि मैं समझता हूँ कि थप्पड़ रिसीव किया है उनको, जिन्होंने कहा था कि इसका कैरियर खत्म हो चुका है और 4 साल सरफराज को बाहर भी रखा गया, लेकिन बंदे ने वापसी किया तो बड़े जबरदस्त तरीके से वापसी की है। लेकिन कामरान अकमल ने कहा कि विकेट कीपर तो अच्छा शायद फिलहाल साबित नहीं हुआ यानी कि वापसी की है, बहरहाल वो बल्लेबाज बहुत अच्छा है। इसके अलावा रिजवान की बात करें तो उनका कहना है कि भाई मुझे इतनी खुशी हुई है जिस तरह मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिली, यानी कि सैफी भाई को सीरीज मैन ऑफ द सीरीज भी मिली, मैन ऑफ द मैच भी मिला, और मुझे इस तरह महसूस हुआ कि भाई ये मुझे मिला यानी कितनी खुशी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आसिफ अली का भाई कैरियर लोग समझ रहे कि भाई लगभग खत्म हो चुके, लग तो कुछ इस तरह से रहे क्योंकि आसिफ अली की जो फॉर्म है वो डाउन ही होती जा रही है। बरल आसिफ अली T20 का किंग है, इंशाल्लाह पीएसएल के अंदर बंदा शानदार वापसी करेगा और ये देखना होगा। अगर आपको अपडेट से चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।